વિકલ્સ એક વાત તો કહી દઉં કે હમણાં જે વિનીતાચાર્ય જે આપણને વાત કરી ને, તો આપણા જસોદાભાઈ એમને દીકરો બનાવેલા હતા અને છેલ્લી ઘડી સુધી એમની જોડે હતા, અંત સમયે પણ એમની સાથે હતા. અને એમના દેવલોક પછી પણ જે વિધિ દીકરો કરે ને, બધી વિધિ વિનીતાચાર્યજીએ કરેલી છે, એટલે બહુ મોટું પુણ્ય લાભ એમને મેળવેલું છે. હૃદયપૂર્વકની શ્રદ્ધાંજલિ સાહેબ એમને પણ. આજે દાદાજીના દરબારમાં એકદમ ધર્મ લાભ આપવા આપણને પધાર્યા છે પ્રદીપ આચાર્યજી. ખૂબ આનંદ થયો આજે. સામેથી એમણે કીધું કે યોગ દ્વારા દિવ્ય દેહ વિશે મારે પણ આપણા મિશનમાં પણ કેવું છે, એકો અમારું અહોભાગ્ય કે આપ ધર્મ લાભ અમને પણ આપો. એટલે આજે આપણને ધર્મ લાભ આપવા પધારેલ પ્રદીપ આચાર્યજીનું સૌ વર્લ્ડ લાઈફ મિશન તરફથી સ્વાગત કરું છું. પધારો પ્રદીપ આચાર્યજી, વિશેષ ટાઈમ ન લેતા આપનું સ્વાગત કરી વિરમું છું. જય ભગવાન. પધારો. જય ભગવાન. જય ભગવાન. વર્લ્ડ લાઈફ મિશન ગોધરા મેં और दादाजी के दरबार में और राजर्षि के राज में उपस्थित मेरे प्यारे प्यारे साथी मित्र अनंताचार्य जी, श्री विंकल सिंह जी और मेरे अन्य साथी आचार्यगण, प्यारे पार्षदगण, सबको स्नेह स्नेह जय भगवान. परम पूज्य राजर्षि मैया जी को चरण स्पर्श. मिशन में सूक्ष्म पूज्य दादाजी अपने आपको पोथी पंडित नहीं समझ नहीं कर सकता. आप जो बड़े बड़े कथाकारों को सुनते हैं वो सब पोथी पंडित जरूर है, वो सब ज्ञानी है, लेकिन आत्मज्ञानी नहीं. नॉलेज कम्स फ्रॉम विद इन, अर्थात ज्ञान योग द्वारा आत्मा में से स्वयं में स्फुरित होता है. ये ज्ञान मोक्ष दिलाने वाला योगजन्य ज्ञान है. शास्त्रों में कहा गया है सा विद्या या विमुक्त है, अर्थात विद्या उसको कहते हैं जिससे मोक्ष मिले. अपनी पढ़ाई की डिग्री से मोक्ष नहीं मिलता. जो पढ़े नहीं थे उसके पास कोई डिग्रियां नहीं थी, वैसे जो संत प्रभु के प्रेम में पागल हुए थे, जीवन मरण के चक्र से विमुक्त हो गए थे, जैसे कि मीरा जी, नरसिंह मेहता, संत कबीर, वल्लभाचार्य जी, चैतन्य प्रभु की मृत्यु नहीं हुई थी, वो सबको मोक्ष मिला था. और ऐसा नहीं है कि ऐसा दृष्टांत हमारे हिंदू धर्म में ही है, वैसे सभी धर्मों में मोक्ष पद प्राप्त करने वाला बहुत से संत हो गए. मतलब आत्मा में से स्फुरित होने वाला ज्ञान योगजन्य है. ऋषि याज्ञवल्क ने कहा है कि अयम तु परमो धर्म यद योगेन आत्मदर्शनम, अर्थात योग आत्मा के दर्शन करना, आत्मा का साक्षात्कार करना, वही परम धर्म है. योग शिखा उपनिषद में कहा गया है योगा तो पर तरो नास्ति मागस्तु मोक्षादयम, अर्थात योग से श्रेष्ठ मोक्षदायक अन्य कोई मार्ग नहीं है. हमारे शास्त्रों में यह है रोग वृद्धावस्था तथा मृत्यु का भय नहीं. कोई भी शास्त्रों में ऐसा नहीं कहा गया है कि जो मरता है वह मोक्ष प्राप्त करता है. मरने वाले का मोक्ष नहीं बल्कि उनका पुनर्जन्म निश्चित है, तो वह मृत्यु को अवश्य रोक सकता है. किंतु किसी असामान्य मनुष्य में यदि सामर्थ्य है तो वह मृत्यु को अवश्य रोक सकता है. मृत्यु पर नियंत्रण करना ही पूर्ण योग है. पूर्ण योग की सिद्धि द्वारा योगी को अष्ट सिद्धियां प्राप्त, साथ साथ में
सभी योग सिद्धियां भी प्राप्त होती है, इससे वह सिद्ध योगी कहलाता है। और फिर शरीर योगाग्निमय दिव्य शरीर की प्राप्ति द्वारा मृत्यु को रोकता है और जीवित अवस्था में मोक्ष प्राप्त करता है। ऐसे सिद्ध योगी जीवित अवस्था में ही आपको देने की मैं चेष्टा कर रहा हूं। मैं सिर्फ संदेशवाहक हूं। आप सब ने ये पुस्तक पढ़ा होगा। आप मेरे से ज्यादा समझदार और बुद्धिमान है, लेकिन मैं इस समय अपनी लकुलिश परंपरा गुरु परंपरा को ध्यान में रखते हुए ये भूमिका निभाने का प्रयास कर रहा हूं और कुछ गुरुदेव के अनुभवों का निचोड़ आपके समक्ष रजू कर रहा हूं। नहीं होगी समझूंगा कि आपने योग द्वारा दिव्य देह पुस्तक नहीं पढ़ी होगी। अगर नहीं पढ़ी है तो समझो आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है। कुछ गुरुदेव के लिखे हुए सब पुस्तक वो अपने सभी वेदों और उपनिषदों का निचोड़ है और अपने लकुलिश योग विद्यालय और लकुलिश योग यूनिवर्सिटी वो मनुष्य योनि सार्थक करने का और अपने जीवन को मोक्ष मार्ग के पथ पर चलने का प्रवेश द्वार है। बस इसके लिए आपको अपनी परंपरा जो एकेश्वरवाद के सिद्धांत पर चल रही है उसमें पूर्ण श्रद्धा से आगे बढ़ना चाहिए। अब योग द्वारा दिव्य देह का जो सिद्धांत इस पुस्तक में बताया है उसके थोड़े अंश में आपको सुना रहा हूं। कृपया आप थोड़ा कष्ट सहन करके सुनोगे तो मेरा अहोभाग्य होगा और हम सबका अहोभाग्य तो यह है कि हमको शिव स्वरूप गुरुदेव शिव स्वरूप क्यों, वो आप आगे सुनोगे। भारतीय शास्त्रों परलौकिक सत्य से भरपूर है। वो आर्षदृष्टा ऋषियों द्वारा रचे गए हैं। उन ग्रंथों में ब्रह्म ईश्वर आत्मा प्रकृति जीव सृष्टि आदि के विषय में विस्तार से चर्चा की गई है। उनमें अनुभव युक्त आध्यात्मिक सत्य का आख्यान है। उनको समझने के लिए योगचिन्ह समाधि प्रज्ञा की आवश्यकता रहती है। सामान्य लौकिक स्तर बुद्धि से उनको समझा नहीं जा सकता। परलौकिक सत्य को मात्र बुद्धि पराबुद्धि ही ग्रहण कर सकती है। भारतीय ऋषि मुनियों ने कठोर तपस्या के परिणाम स्वरूप जिस सत्य का साक्षात्कार किया उसके आधार पर उन्होंने तत्व विचार संबंध में अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान वैदिक शास्त्रों में संग्रह किया है। वह भारतीय ऋषि मुनियों के द्वारा लोक कल्याण की भावना से मानव समाज को दी गई अनमोल भेंट है। वैदिक मतानुसार परम तत्व मात्र एक अद्वितीय नित्य निरंजन निराकार निर्गुण अविनाशी और सर्वव्यापी है। उसे ब्रह्म चैतन्य अथवा शिव चैतन्य के रूप में जाना जाता है। उस परम तत्व में से ही समग्र ब्रह्मांड और समस्त जीव सृष्टि उत्पन्न हुई है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति प्रकृति के जिस तत्व से होती है उसी तत्व में से मानव शरीर भी उत्पन्न होता है। भारतीय ऋषि मुनियों ने योग द्वारा पिंड तथा समष्टि पिंड के बीच
विद्यमान तात्विक साम्यता की प्रत्यक्ष अनुभूति की है। इसीलिए यथा पिंडे यथा ब्रह्मांडे जैसा सिद्धांत प्रतिपादित किया है उसके विचार से जैसे आत्मा और परमात्मा में ऐक्य है वैसे ही पिंड और ब्रह्मांड में भी ऐक्य है। तात्विक दृष्टि से जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। वैदिक शास्त्रों के अनुसार भूतात्मक तादात्म्य स्थापित करके ब्रह्म या शिव तत्व के साक्षात्कार का महामूल्यवान साधन है। इससे कहा जाता है कि शरीर माध्यान खलो धर्म साधनम। इस प्रकार शांत पिंड में अनंत ब्रह्मांड की अंतर्दृष्टि द्वारा देखने वाले ऋषि मुनि महान वैज्ञानिक होते हैं। जिस प्रकार आधुनिक वैज्ञानिक बौद्धिक पदार्थों के सूक्ष्म विश्लेषण द्वारा सृष्टि के आधारभूत तत्वों की शोध कर सकते हैं उसी प्रकार ऋषि मुनि भी योग साधना की प्रक्रिया में दिव्य दृष्टि द्वारा ब्रह्मांड और उसके आधारभूत सूक्ष्म तत्वों की खोज कर सकते हैं। आधुनिक भौतिक विज्ञान बाह्य प्रयोगों पर आधारित है जबकि योग विज्ञान आंतरिक प्रयोगों पर आधारित है। बाह्य प्रयोग मात्र स्थूल पदार्थों का अध्ययन करने में सहायक होते हैं जबकि आंतरिक प्रयोग स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के पदार्थों की सूक्ष्म विश्लेषण में सहायक होते हैं। ऋषि मुनियों ने स्थूल और सूक्ष्म तत्वों को जानकर दोनों के बीच के कार्य कारण संबंध को जान लिया था। इसीलिए उन्होंने हमें विज्ञान का यह सर्वोत्तम सिद्धांत दिया कि पदार्थ और शक्ति कार्यकरण रूप से एक ही है, उनके बीच कोई भी भेद नहीं है। पदार्थों का मूल कार्य शक्ति और प्रकृति है। पदार्थ प्रकृति में विलीन हो सकते हैं और पूर्ण प्रकृति में से पदार्थ हो सकता है। मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैटर, अर्थात स्थूल पदार्थ का शक्ति में तथा शक्ति का स्थूल पदार्थ में रूपांतर हो सकता है। वैदिक शास्त्रों में व्यक्त सृष्टि की उत्पत्ति और लय संबंधी विचार इसी सिद्धांत को प्रतिपादित करता है। अध्यात्म विज्ञान मात्र यही नहीं रुकता, पदार्थ और सूक्ष्म शक्ति के बीच के संबंध को जानने के बाद यह वह चैतन्य के साथ भी संबंध खोज निकालता है। योगी दिव्य दृष्टि द्वारा स्थूल पिंड की पार्थिवता को भेदकर आर पार देख सकता है। इसलिए पिंडस्थ सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के सूक्ष्म तत्वों को देख सकता है। इतना ही नहीं, तीनों शरीर के भीतर विद्यमान चैतन्य तत्व का भी साक्षात्कार कर सकता है। इस प्रकार योगी को परम सत्य के दर्शन में कोई बाधा नहीं पड़ती। भौतिक विज्ञान चाहे जितनी भी प्रगति कर ले, वह चैतन्य तत्व हमेशा उसकी पहुंच के बाहर ही रहेगा। इस कारण वह अंतिम तत्व या अंतिम सत्य के विषय में अनजान ही रहेगा। उसके जानने के इच्छुक को योग विद्या का ही आश्रय लेना पड़ेगा। इस दृष्टि से विचार करने पर यह पता चलता है कि आधुनिक भौतिक विज्ञान सीमित साधन है जबकि प्राचीन योग विज्ञान असीमित साधन है। और फिर भौतिक विज्ञान चाहे जैसी शोध करे परंतु वह स्वयं प्राकृतिक मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं कर सकता, जबकि योगी सत्य की शोध करते करते स्वयं प्राकृतिक मर्यादाओं जैसे कि शीत ताप निंद्रा आलस्य क्षुधा तृषा जरा व्याधि मृत्यु आदि को पार करके असाधारण बन सकता है। वह योग साधना द्वारा दिव्य देह की प्राप्ति करके
अजर अमर बन सकता है। संपूर्ण योग साधना द्वारा अजर अमर की प्राप्ति का सिद्धांत भारतीय वैदिक शास्त्रों की सर्वोत्तम देन है। खिचड़ी मुद्रा द्वारा दिव्य देह का निर्माण। शिव संहिता में भगवान शिव ने वचन दिया है, सा प्राण सदस्य मुद्रा यस्मिन कस्मिन न दीयते प्रच्छद्यते प्रयत्नेन मुद्रायम सुरपतिजे सुरपूजिते। अर्थात हे सुरपूजिता पार्वती, ये खिचड़ी मुद्रा प्राण समान है, ये अनधिकारी को देना उचित नहीं है। ये मुद्रा गुप्त रखने योग्य है। योग मार्ग में खिचड़ी मुद्रा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ये आधुनिक विज्ञान को ध्यान में रखते हुए ये रहस्य का शुभारंभ उद्घाटन करने का साहस अपने गुरुजी स्वामी श्री राजर्षि मुनि जी ने किया था। खिचड़ी मुद्रा कोई भी आसन में की जा सकती है, उसमें मात्र रसना को तालु के मूल पास में आया हुआ छिद्र जिसको दसवां द्वार कहा जाता है उसमें प्रविष्ट करानी होती है। खिचड़ी मुद्रा का मात्र ब्रह्मार्थ को समझकर कितने ही साधक शस्त्र द्वारा जीभ के नीचे के शिराबंध को काटते हैं, फिर हाथ से खींच खींच कर जीभ को लंबी बनाते हैं, उसके बाद गले की घंटी के पीछे श्वास नली में धकेल देते हैं। यह सच्ची खिचड़ी मुद्रा नहीं है, इससे कोई परिणाम नहीं आता। सच्ची खिचड़ी मुद्रा में जीभ मात्र श्वास मार्ग के खाली स्थान में पड़ी नहीं रहती, बल्कि वह ब्रह्म मार्ग में होकर मस्तक में स्थित शीर्षस्थ ग्रंथि के समीप पहुंच जाती है। वह ब्रह्म मार्ग गुप्त होता है और उसमें प्रवेश करने की प्रक्रिया बहुत जोखमी और अटपटी होती है। उसे प्रकट करना हानिकारक हो सकता है, इसीलिए अपने शास्त्रों में भी उस पर विशेष प्रकाश नहीं डाला। ईश्वरणा गृह के आचार्य अनुग्रह द्वारा साधक की कुंडली जागृत हो जाती है। वो जो उच्च कक्षा के मोक्षार्थी होता है तो वो खिचड़ी मुद्रा का आविष्कार कर सकता है। आरंभ में योगाग्नि बल से रसना के नीचे का शिराबंध का छेदन होता है, फिर चालन और दोहन की प्राकृतिक क्रियाओं का प्रारंभ होता है। अंत में रसना कपाल कुहर दसवें द्वार में प्रवेश करने का आयास करता है। जिह्वा के शिराबंध का छेदन खिचड़ी सिद्धि का प्रथम सोपान, जिह्वा का चालन दोहन द्वितीय सोपान और ब्रह्म रुद्र प्रवेश ये तृतीय सोपान है। ये तीनों सोपान के उत्क्रमण से ही खिचड़ी की साधना समाप्त नहीं हो जाती, कारण इसके अलावा और दो सोपान बाकी रहता है। इसमें प्रथम सोपान प्राणापान की प्रबलता और उसके ब्रह्म रुद्र में स्थिरता, द्वितीय सोपान ब्रह्मरंध्र में जीवा का अधिक समय टिके रहना और दृष्टि को भूमध्य में अधिक समय स्थिरता साधक स्थिरता। साधक जब तक मुनिवर सुखदेव जी समान दिव्य शरीर की संप्राप्ति करके ऊर्ध्वरेता बनता नहीं है, तब तक सिद्ध संन्या का वो अधिकारी नहीं बन सकता। जब योनि मुद्रा में आविर्भाव होता है तब रसना में शिष्ण समान प्रबल जागृति आती है और वो अपान को ऊर्ध्वगामी बना के ब्रह्म ग्रंथि का भेदन करके योगी को ऊर्ध्वरेता बना देती है। खिचड़ी मुद्रा सिद्ध होने के बाद योगी को अमृतपान करने की तक मिलती है। परिणाम स्वरूप देह के पुराने परमाणु का नाश होता है और उनके स्थान नूतन परमाणु का आविर्भाव होता है, वो ही दिव्य देह का निर्माण करता है। पूज्य राजर्षि मुनि जी ने यह दुर्लभ खिचड़ी मुद्रा की साधना संन्यस्त दीक्षा के बाद शुरू की थी और एक दो वर्ष में देवताओं के लिए जिसको
तोड़ना कठिन है, इसी ब्रह्म की अर्गला तोड़ दी, अर्थात मगज की छत की हड्डी का भेदन किया। ब्रह्मरंध्र अत्यंत सूक्ष्म होता है, मात्र सुई के नोक जैसा। आज्ञा चक्र को ब्रह्मरंध्र कहा जाता है। वह मोक्ष चक्र है, उसकी नाप सुई की नोक जितनी ही है। संत अखा जी ने भी कहा है, सुई नाका से सांकड़ा आखा हरि का द्वार। उस ब्रह्मरंध्र में जीव का प्रवेश होने से योगी को परम तत्व का अनुभव होता है, इसीलिए वह प्रभु के प्रदेश में कुछ हुआ माना जाता है। प्रभु के प्रदेश में पहुंचना अर्थात जीव का ब्रह्मरंध्र में प्रवेश करना कितना कठिन है, यह बाइबल के एक कथन से समझा जा सकता है। प्रभु यीशु कहते हैं कि ऊंट के लिए सुई की नोक से होकर निकलना जितना कठिन है, मनुष्य के लिए प्रभु के राज्य या दरबार में पहुंचना उससे भी अधिक कठिन है। यह है खेचरी मुद्रा। जब अपने गुरुजी ने ये मगज की हड्डी का भेदन किया था, तब गुरुजी ने उनके गुरुजी ब्रह्मलीन बापूजी का मार्गदर्शन लिया था। शास्त्रों में जो बताया गया है कि यथा पिंडे यथा ब्रह्मांडे, वो गुरुजी ने साबित कर दिया था। इस तरह पूज्य राजर्षि मुनि जी ने खेचरी मुद्रा प्राप्त करते हुए 40-40 साल का समय बीत गए। 29 बार 2070 का जाखन का प्रवचन आपने सुना होगा, उसमें गुरु जी ने स्पष्ट कहा है कि मैंने साधना दरमियान 14 भुवन में विचरण किया है। ब्रह्मलोक से पाताल लोक तक पूज्य गुरु जी ने विचरण किया है। पूज्य गुरु जी का एक नया पुस्तक आ रहा है, लोकांतर, जिसमें गुरु जी ने 14 भुवनों का अपना अनुभव का वर्णन किया है। यह 14 भुवन के विचरण करने वाला योगी कौन बन सकता है? वो एक अजरामर दिव्य शरीरधारी अपने गुरुदेव पूज्य राजर्षि मुनि जी ही हो सकते हैं, जिसको साक्षात शिवा अवतार कहा जाता है। पूज्य दादाजी ने दो दो बार दर्शन देके घंटे तक बातचीत करके इस सब के बारे में मार्गदर्शन दिया है और संभवी दीक्षा भी अपने आप रूबरू में दी है। वैसे अपने गुरुजी साक्षात आत्मज्ञानी और ज्ञान के प्रदीप है, वो अपने लिए साक्षात शिव है। पूज्य गुरुदेव ने पूर्णता प्राप्त कर ली है, दिव्य देह प्राप्त कर लिया है, ऐसा कहना भी गलत नहीं है, क्योंकि खेचरी मुद्रा दिव्य शरीर की चाबी है। मृत्यु को किस प्रकार रोका जाए? योग शास्त्र में कहा है कि मृत्यु को जीतने से पहले वृद्धत्व को रोकना चाहिए। इसके लिए शरीर को रोग मुक्त बनाना चाहिए। जब तक खुराक शरीर में जाती है, तब तक रोग मुक्ति की संभावना नहीं है। इसीलिए पहले शरीर को खुराक की संभावना नहीं रहनी चाहिए। योग द्वारा जिससे शरीर को चिरंजीवी बनाना हो, उसे मल निर्माण की प्रक्रिया को रोकना चाहिए। रोग होने के दूसरे कारण भी है, शीत और ताप, ठंडी और गर्मी से भी रोग होने की संभावना पूरी है। इसीलिए योगी का शरीर ऐसा बन जाना चाहिए जिस पर सर्दी या गर्मी का असर ही ना हो। इसी तरह आपको न भूख लगेगी, न प्यास लगेगी, न शीत न ताप लगेगा, और इसीलिए न कोई रोग होगा। फिर रोटी कपड़ा और मकान की योगी को क्या जरूरत? ठीक है, समाज में रहते हुए सिर्फ लंगोटी की जरूरत ही रहेगी, बाकी सीताराम। तो रोग को जीतने के पहले खुराक छुटनी चाहिए, मात्र हवा पर जीना चाहिए। भक्त प्रहलाद, भक्त ध्रुव, बाल ध्रुव उसका श्रेष्ठ उदाहरण है।
भजन गाना गौण भक्ति है, उससे श्रेष्ठ अपराभक्ति तथा सर्वश्रेष्ठ पराभक्ति है, योग पराभक्ति है। हम योग साधना करें या भक्ति करें, परंतु अंतिम परिणाम तो एक ही आता है। संत ज्ञानेश्वर महाराज दिव्य शरीर का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पहले योगी की वृद्धावस्था वापस चली जाती है, फिर तारुण्य का मध भी जाता है, और अंत में योगी को बाल सुलभ सहज स्वरूप प्राप्त होता है। परंतु शीत ताप, भूख प्यास, सुख दुख आदि आवेगों का समन हो जाने के बाद ही यह संभव हो पाता है। जब सभी आवेगों का समन हो जाता है, तब योगी को अनुर्मित्व सिद्धि भी प्राप्त हो जाती है। महायोगी गोरक्षनाथ कहते हैं कि सतत 8 दिन तक ध्यानावस्था में रहने के बाद भूख और प्यास की निवृत्ति होती है। उसके बाद योगी हवा के सहारे जी सकता है, परंतु उसके पहले 6, 12 या 24 घंटे तक सतत ध्यान में रहने की शक्ति तो आनी चाहिए ना। घंटों और दिनों तक ध्यान में बैठे रहना हो तो उसके पहले विश्रांति तथा निंद्रा पर नियंत्रण प्राप्त कर लेना चाहिए। बिल्कुल थकावट ना आए और नींद भी ना लगे, तभी सतत कई दिनों तक ध्यानस्थ रहा जा सकता है। निंद्रा के जाने के बाद राजयोग की शुरुआत हो जाती है। वहां तक प्रत्याहार की भूमिका ही मानी जाती है, जिसका हठ योग में समावेश होता है। प्रत्याहार के बाद की भूमिकाओं अर्थात धारणा, ध्यान और समाधि का समावेश राजयोग में होता है। धारणा, ध्यान और समाधि की त्रिपुटी को महर्षि पतंजलि ने संयम कहा है, मतलब दिव्य शरीर प्राप्त करके करने से पहले योगी को अनेक प्रकार के शारीरिक सीमाओं का लंघन की शक्ति प्राप्त करनी होती है। इस क्रम में सर्वप्रथम शांति मतलब कि थकान जाती है, उसके बाद निंद्रा, उसके बाद भूख प्यास, फिर शीत ताप और उसके बाद रोग पर नियंत्रण होता है। फिर वृद्धावस्था दूर होती है और युवावस्था प्राप्त होती है और अंत में किशोर अवस्था प्राप्त होती है। इस प्रकार योगी को क्रमशः दिव्य देह की प्राप्ति होती है और वह मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। लयावस्था क्या है, इसके बारे में बहुत संक्षिप्त वर्णन में कहता हूं कि ये बहुत से लोग लय ऐसा तो कहते हैं, परंतु लय के लक्षण के बारे में नहीं जानते। जब संपूर्ण रूप से विषय की विस्मृति हो जाए और मन में पूर्ण वासना का उद्भव न हो, तो उस अवस्था को लयावस्था कहा जाता है। अखंड समाधि से प्राप्त होने वाला दिव्य शरीर, महायोगी गोरक्षनाथ अमनस्क योग में कहते हैं कि ऐसी अखंड निर्विकल्प समाधि लगने के 9 महीने के बाद योगी को वज्र समान देह की प्राप्ति होती है, वही दिव्य शरीर है। सामान्य क्रम में उसकी मृत्यु नहीं होती, परंतु उस शरीर में अभी भी पंच महाभूतों के रहने के कारण जब समग्र सृष्टि का प्रलय होता है, तब उस शरीर का भी नाश हो सकता है। परंतु हमारे ऋषि मुनि इस प्रकार हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने विचार किया कि अभी भी भगवान हमें मार सकते हैं, वे भी हमारा नाश न कर सके ऐसी शक्ति प्राप्त करनी चाहिए। इसलिए उन्होंने ऐसे दिव्य शरीर की प्राप्ति के बाद भी अपनी साधना चालू रखी और उन्होंने ऐसे दिव्य शरीर की प्राप्ति के बाद भी अपना और उन्होंने ये खोज लिया कि यदि शरीर में स्थित पंचभूतों का लय करके मात्र शक्ति तत्वों में शरीर बना रहे, तो महाप्रलय के समय भगवान भी उसका नाश नहीं कर सकते। इसलिए योगी को अमरता प्राप्त करने के लिए शरीरस्थ पंच महाभूतों का अर्थात पृथ्वी तत्व, जल तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व का लय करना होता है।
अखंड समाधि लगने के 9 महीने के बाद वज्रकाया बनती है, यह हमने देखा। उसी प्रकार 1.5 वर्ष की अखंड समाधि के बाद पृथ्वी तत्व का नाश होता है और शरीर जल तत्वों में बनता है, अर्थात पृथ्वी तत्व को जल तत्व खा जाता है और शरीर तेज तत्वों में बनता है। 6 वर्ष के बाद तेज का वायु नाश करता है और शरीर वायु तत्वों में बनता है। 12 वर्ष के बाद वायु को आकाश खा जाता है और शरीर आकाश तत्वों में बनता है और अंत में 24 वर्ष के बाद आकाश तत्व का भी लय हो जाता है और शरीर शक्तिमय तत्व बन जाता है। उसी शरीर का प्रलय काल में भी नाश नहीं होता, उसका सृष्टि के पूर्ण सृजन के समय फिर से जन्म कहां से होगा? गीता में ऐसे योगी के लिए कहा गया है कि वह सृष्टि के उत्पत्ति काल में जन्म नहीं धारण करता तथा प्रलय काल में उसका नाश नहीं होता। यही साधना अपने गुरुदेव कर रहे हैं। निवृत्ति और प्रवृत्ति दोनों कार्य एक साथ में करने वाला साहस हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री राजर्षि मुनि जी ने किया है। ऐसा साहस कोई विरल साधक ही कर सकता है। नकुलिश परंपरा का मुख्य उद्देश्य आध्यात्मिक परंपरा द्वारा योग, ज्ञान, भक्ति और कर्म के सिद्धांतों का समग्र विश्व में प्रचार और प्रसार द्वारा भारतीय संस्कृति का पुनः उत्थान का कार्य करना है। ये परंपरा का मुख्य सिद्धांत एकेश्वरवाद है, सबको मिलजुल के रखने का है। ये सब ध्यान में रखते हुए मैंने योग द्वारा दिव्य देह पूज्य गुरु जी का अद्वितीय पुस्तक के कुछ अंश आपके समक्ष आपके मन में ये पुस्तक फिर से पढ़ने की जिज्ञासा हो और कोई भाग्यशाली पुण्यात्मा इस मार्ग पर चलकर अपना दुर्लभ मानव जन्म सार्थक बनाकर मोक्ष मार्ग के रास्ते पे चले वही है। इसमें जो आपको अच्छा लगे वह पूज्य गुरु जी की प्रसादी समझना। मेरी ओर से जो भूल हुई होगी उसकी क्षमा चाहता हूं। इस समय मैं ये पूर्ण करके सबको स्नेह जय भगवान कहता हूं। माफ करना भूल हो तो। जय भगवान। आचार्य खूब सरस दिव्य प्राप्त करू फील करा दीदू तमे खूब सरस। आचार्य ने विनती करीस बे शब्दों अने 10 वागवानी तैयारी छे तो आपणे पछी आगळ। जय भगवान। खूब सरस प्रदीप आचार्य जी योग द्वारा दिव्य देह नु आपे खूब सरस वर्णन कर्यु धर्मलाभ आप्यो। एटले योग द्वारा दिव्य देह नी बुक जेने नथी वाची एमने ख्याल आवशे के एमां केटलू गूढ रहस्य भरेलू छे। विशेष न कहता आजे जेने भजन गावाना हता ए बधाने आवतीकाले राख्या छे। आपणे मीनाबा जाडेजा, लभुबेन, દેવેન્દ્રબા, અનસુયાબા, શ્રીલેખાબેન, મીરાબેન અને અરુણાબા વાઘેલા આવતીકાલે આમના ભજન રાખીશું અને બીજા પછી આગળ। સર્વને સસને જય ભગવાન। હવે આપણે અન્ય આશ્રય લઈ લઈશું ઇન્કમ સર જી જય ભગવાન। એક વખત બધા જોરથી બોલીશું શ્રી સાધગુરુ દેવ।